आ गया है पेमेंट मेरा। हाँ आ गया। और बोनस जो था सर 7,600 रुपया आ गया आपका। जी साथ ही में आया है जो सेकेंड पेमेंट आया ना। नहीं देखिए टोटल जो पेमेंट था आपका 20 रुपया 50 पैसे के रेट से धान का था, ठीक है। हाँ तो वही भराया है सिर्फ। हाँ एक्स्ट्रा जो था 6,700 रुपया और 7,600 रुपया जी जी वो आपका ये बोनस था सर। वो बोनस के लिए मैंने आपको मैसेज भी दिया था अच्छा, कि पलामू में आके एक बार फॉर्म फिलअप कर लीजिए बोनस वाला, लेकिन आप लोग फिलअप नहीं किए थे। फोन पे गूगल पे कुछ चलाते हैं आप सर? हाँ हाँ क्या चलाते हैं? फोन पे गूगल पे दोनों चलाते हैं। ठीक है इन्हीं पे हम भेज दे रहे हैं सर। आगे से ध्यान देंगे जो भी बोनस की पेमेंट होगी सर इसी फोन पे में आपको होगी, तो नहीं तो आप यहाँ DSO ऑफिस से आप चेंज करवा सकते हैं नहीं तो। ठीक है ठीक। झारखंड में साइबर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साइबर अपराधी अब झारखंड के अन्नदाताओं को भी अपना रडार पर ले रहे हैं। झारखंड के किसानों को सूखा से राहत मिली नहीं कि साइबर ठगी के चंगुल में फंस रहे हैं। किसानों को अब धान का बोनस दिलाने के बहाने फर्जी कॉल कर ठगी कर रहे हैं। बता दें ताज़ा मामला झारखंड के पलामू जिला का है। साइबर अपराधी अपने आप को पलामू के DSO ऑफिस का कर्मचारी बता रहे हैं। अपराधियों ने बताया कि बोनस के लिए एक बार पहले SMS भी भेजा गया था, लेकिन आप लोग ऑफिस में फॉर्म जमा नहीं किए, आगे ऐसी गलती ना करें। उसके बाद साइबर अपराधी फोन पे पर एक 5,000 रुपये का रिक्वेस्ट भेजता है, जिसके लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। आगे आप खुद ही सुने, उसके बाद आपको जानकारी दिया जाएगा। आ गया है पेमेंट मेरा। हाँ आ गया। और बोनस जो था सर 7,600 रुपया आ गया आपका। जी साथ ही में आया है जो सेकेंड पेमेंट आया ना। नहीं देखिए टोटल जो पेमेंट था आपका 20 रुपया 50 पैसे के रेट से धान का था, ठीक है। हाँ तो वही भराया है सिर्फ। हाँ एक्स्ट्रा जो था 6,700 रुपया और 7,600 रुपया जी जी वो आपका ये बोनस था सर। वो बोनस के लिए मैंने आपको मैसेज भी दिया था अच्छा, कि पलामू में आके एक बार फॉर्म फिलअप कर लीजिए बोनस वाला, लेकिन आप लोग फिलअप नहीं किए थे। और सर मैसेज पर हम ध्यान नहीं दिए हुए, तो क्या करना होगा उसके लिए? चेक कर ले, लाइन पे रहिए जी। फोन पे गूगल पे कुछ चलाते हैं आप सर? हाँ हाँ क्या चलाते हैं? फोन पे गूगल पे दोनों चलाते हैं। ठीक है इन्हीं पे हम भेज दे रहे हैं सर। आगे से ध्यान देंगे जो भी बोनस की पेमेंट होगी सर इसी फोन पे में आपको होगी, तो नहीं तो आप यहाँ DSO ऑफिस से आप चेंज करवा सकते हैं नहीं तो। ठीक है ठीक ठीक फोन पे आप कर दीजिए। ठीक है लाइन पे रहिए आप सर। फोन पे को कर लीजिए। क्या सर? फोन पे को ओपन कर लीजिए, देखिए पेमेंट कोई गया आपका? हेलो। हाँ सर ओपन कर लिए। देखिए कोई पेमेंट मिला आपको? देख रहे हैं पेमेंट फॉर योर, नहीं ये तो सिलेंडर बुकिंग का है, दूसरा कैश बैक चेक कर ले रहे हैं। 2 किस्तों में जाएगा आपका। देखिए तो अभी 5,000 रुपया आपका वहाँ पे देखिए शो कर रहा होगा आपका सर। एक बार रिफ्रेश मारिए, कट करके फिर से ओपन कीजिए ना। सब कर दिए, रिफ्रेश तो करिए। जब कर दिए तो आ जाएगा वो, आप गवर्नमेंट नोटिस वाउचर भेज दिया जाता है वो आपको रिसीव करना पड़ता है। अभी चेक कर लीजिए तो। अभी कुछ नहीं, यहाँ नोटिफिकेशन आया है, अभी आ जाएगा जब आप कर दे रहे हैं तो। अभी आया है रिक्वेस्ट भाई। हाँ ये वाउचर आपको जो रिक्वेस्ट दिया गया वो अपना अकाउंट पे रिसीव कर लीजिए। देखिए वहाँ पे लेटर डिक्लाइन शो कर रहा है सर। हाँ पे को टच कीजिए, उसके बाद बैंक नेम अकाउंट नंबर आया आपका? हाँ पे को टच करने के बाद बैंक नेम अकाउंट नंबर आया? हाँ हाँ यार, उसके बाद प्रोसेस टू पे लिखा हुआ नीचे में। हाँ प्रोसेस टू पे को टच करने के बाद क्या ऑप्शन आया? उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा? इधर से पैसा चला जाएगा आपके पास। इधर से कैसे पैसा चल जाएगा आपका? इतना मतलब फ्रॉड, मतलब क्या समझ लेते हो यार तुम लोग, कि मतलब एकदम सब बच्चा ही है ना, फार्मर को तो टारगेट कर रहे हो। बच्चा क्या, आपको जब पेमेंट हम किए तो आपको बच्चा लग रहा है? कहाँ से सच बोल रहे हो, सच ही बताओ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ फार्मर समझ के मतलब टारगेट कर रहे हो ना? क्या बोले? फार्मर समझ के तुम मतलब टारगेट कर रहे हो, इस तरह से कितना के बेवकूफ बना रहे हो बताओ पहले। तुमको क्या बता के करेंगे हम?
नहीं, अभी तो टारगेट जो कर रहे हो फार्मर से लेने का, 5-5 हजार 10-10 हजार का टारगेट कर रहे हो, कितना फार्मर को अभी तक ठग चुके हो तुम? इसके बाद साइबर अपराधियों के द्वारा कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। साइबर अपराधियों को इतना भी नहीं पता होता है कि धान का पैसा बोनस सहित 20 रुपया 50 पैसा है। साइबर अपराधियों के द्वारा बोनस के रूप में अतिरिक्त 7600 रुपये देने की बात कही जाती है। तो आप इस तरह के फर्जी कॉल से सावधान रहे। आपको बता दें, साइबर अपराधी का कॉल नंबर 7739999767 है। झारखंड पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच से मेरा अनुरोध होगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा ऐसे में कितने किसानों को अपना चंगुल में फंसा सकते हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ किसानों से भी मेरा अपील होगा, आग्रह होगा, अनुरोध होगा, ऐसे फर्जी कॉल से बचे। धान का पैसा यदि उन्हें नहीं मिला हो या बोनस का पैसा नहीं मिला हो तो वे खुद DSO ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। ऐसे फर्जी कॉल के चंगुल में नहीं फंसे, अन्यथा आपकी गढ़ी कमाई भी जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे में हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही साथ हमें आप बताएं कि क्या आपके पास भी ऐसे फर्जी कॉल आते हैं या नहीं। साथ ही साथ झारखंड पुलिस से मेरा अनुरोध होगा, साइबर क्राइम ब्रांच से अनुरोध होगा, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद।